भाई पंप, इस तरह का पंप आपको देखने को मिलेगा भाई घर पे वर्कआउट कर रहे हो तो। हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का गौरव झा फिटनेस में। तो भाई लोग, आज आपका भाई बताएगा जो आप लोग लाइट स्किप कर देते हो। लेग्स बनाना है भाई, लेग्स तगड़ा करना है, लेग्स का और बताओ। लेग्स मेरे बहुत भाई स्किप कर देते हैं, जिनका कि लेग्स कमजोर होता है, जिनका कि पर्सनैलिटी उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका अपर बॉडी चाहे मर्जी जितना मर्जी आप बना लो, लोअर बॉडी जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपका जब बेस ही अच्छा नहीं रहेगा तो आपका ऊपर से कैसा ये दिखेगा। तो आज मैं बताऊंगा घर पे जो मेरे भाई वर्कआउट करते हैं वो भी अपने लेग्स को कैसे तगड़ा कर सकते हैं, डंबल के साथ, ईंट के साथ। मैं तो ईंट के साथ बताऊंगा, अगर आपके पास डंबल है तो डंबल के साथ भी आप प्रेफर करोगे, डंबल के साथ भी आप बनाओगे, डंबल के साथ भी एक्सरसाइज करोगे। सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ वेरिएशन आप लोग अपने हिसाब से ऐड करोगे, आगे पीछे स्वैप करोगे एक्सरसाइज को और अपने ही रूटीन में उसको ऐड करोगे और अच्छे से कम टाइम में रिजल्ट पाओगे भाई। इसमें रेस्ट कम रखना है आपको, ध्यान रखना है। तो रेस्ट आपको बताता हूँ, मैं इंटेंस वर्कआउट अभी कुछ दिन से बहुत दिन से बता रहा हूँ, जिसमें कि रेस्ट आप ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। आपका जो भी आपका वर्कआउट का टाइम होगा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जो भी वर्कआउट का टाइम होगा उसको साथ में उसको तीन बार परफॉर्म करना है सारा सेट को, जिससे कि आपका 30 मिनट का वर्कआउट के आसपास हो जाएगा और आपका लेग्स भी ट्रेन हो जाएगा। देखो मैं भी खुद करके दिखा रहा हूँ, खुद पंप करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अब लेग्स आपको घर पे बिल्ड होके आएगा। तो देखते रहो और फॉलो करते रहो। पहला नंबर एक्सरसाइज रखना है आपको सिंपल स्क्वाट, ठीक है। लेग्स मजबूत करना है तो पहला हमारा होगा सिंपल स्क्वाट। 1, हाथ सामने, 2, 3, 4, ये आपका सीधा रहेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहला सिंपल बॉडी वेट स्क्वाट है, कोई भी बंदा कर सकता है। बस ध्यान रखना है कि आपका कोर स्ट्रेट रहे और आप नीचे जाओ और ऊपर आओ, पूरे से तरीके से आपका फॉर्म सही रहे। पहला ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर लिया आप लोगों ने, करो पहले करो फिर मैं आगे का एक्सरसाइज बताऊंगा, कर लिया। अभी दूसरा एक्सरसाइज क्या करना है आपको कि ईंट को लेना है इस तरह से, दोनों ईंट को साइड में पकड़ना है और सिर्फ आपको नीचे बैठना है। 1, ध्यान रहेगा चेस्ट अप रहेगा, 2, 3, इसमें वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, 4, हाथ का कोई हेल्प नहीं है, शोल्डर पूरा छोड़ के रखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सिंपल, समझ गया। दूसरा नंबर एक्सरसाइज सिंपल था, समझ गया आप लोग कि क्या करना है। दोनों ईंट को साइड पर रखना है, पूरा नीचे आना है, पूरा सिंपल स्क्वाट ही लगाएंगे, बट हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है भाई ईंट को ग्रिप करके रखेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए हमारा होगा एक पाँव, दोनों पाँव में गैप दो पहले तो, ठीक है, दोनों पाँव में गैप दो, ईंट को इस तरह से यहाँ पे फिक्स रखो, यहाँ पे ईंट को कोई ऊपर लिफ्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ईंट को बस यहाँ पे पकड़ के होल्ड करो, नीचे आओ ऊपर, 1, नीचे आओ ऊपर, 2, 3, 4, 5, यही चीज दूसरे साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो गया लंजेस में वेरिएशन ईंट के साथ, जो कि हमारा वेट के जगह पर इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे रखना है ये जो आपका ईंट का वेट है जो पड़ेगा आपके लेग्स पे, ठीक है, ईंट का वेट जो भी आप ले रहे, जो भी वेट ले रहे हो आप, ईंट का, डंबल का, जो भी लोगे, फर्क पड़ेगा आपके सिर्फ और सिर्फ लेग्स पे भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा होगा दोनों ईंट को यहाँ पे रखो, दोनों ईंट को यहाँ पे रखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारा कुछ मैं खुद ही करके दिखा रहा हूँ, कम से कम 10 रेप लगा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि दिखाऊंगा एक्सरसाइज के बाद जो पंप कुछ होता है कि नहीं भाई, ठीक है, आपको पता चले, उससे आप लोगों को फर्क पता चले, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा भाई हैमस्ट्रिंग के लिए, ये पीछे वाले हिस्से के लिए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे झुकना है, हैमस्ट्रिंग पे फर्क पड़े, अप, घुटना से थोड़ा सा नीचे, अप, 1, अप 2, अप 3, अप 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारा हो गया भाई हैमस्ट्रिंग के लिए। और हैमस्ट्रिंग्स के तुरंत बाद ईंट को रख देना है यहाँ पे, पाँव को रखना है यहाँ पे, ऊपर आके काब्स से फोकस रख के, 1, 2,
ऊपर आके देखो फोकस कहाँ पे, हमारे काप्स मसल पे, इस मसल पे काम हो रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कौन कौन सा पार्ट हमने ट्रेन किया? खुआड़ा, क्वाड का एरिया ट्रेन किया, हैमस्ट्रिंग ट्रेन किया और काप्स ट्रेन किया। सिंपल ईंट से और डंबल से जो भी आप करोगे, सरक सरिए इसी से परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका क्या होने वाला है भाई? दोनों ईंट को इस तरह से ग्रिप रखोगे, पूरा नीचे आने दोगे, ग्राउंड पे टच करके अप 1, up 2, up 3, up 4, up 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। अभी देखो, अभी फिनिशर लगाऊंगा मैं एक, उसके बाद पंप देखना आप लोग, ठीक है। फिनिशर हमारा होगा सिंपल स्क्वाट जंप, ठीक है। सिंपल हमारा होगा स्क्वाट जंप। स्टार्ट कर दे भाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन खत्म। लेग्स का वर्कआउट था, खत्म। पंप पंप, ये रहा आपका लेग्स का पंप। बेहतर तरीके से कैसे अपने लेग्स को